हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश आज आप लोगों को हेयर लॉस के बारे में बताने जा रहे हैं कि हेयर लॉस आज के डेट में लोगों को ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, लड़कियों को जो हेयर लॉस हो रहा है उसका एक अलग रीज़न है और लड़कों को जो हेयर लॉस हो रहा है उसका एक अलग रीज़न, दोनों का रीज़न डिफरेंस है। ये नहीं है कि एक ही रीज़न से बाल फॉल हो रहा है। तो लड़कों का क्या रीज़न है, तो फर्स्टली दोस्तों हम बता रहे हैं, पहला तो लड़कों का एक रीज़न फर्स्टली है जेनेटिकल प्रॉब्लम। अगर लड़कों के माता पिता बाल हेयर फॉलिंग से ग्रसित हैं तो उनका लड़का का भी हेयर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दूसरा चीज़ है टेंशन युक्त रहना। अगर लड़का दिन रात टेंशन में रहता है तो उसका हेयर फॉल होगा ही होगा। और सर दर्द हो रहा है, टेंशन है, तो मेनली दूसरा चीज़ है कि टेंशन से भी हेयर फॉल होगा। तीसरा चीज़ है कि वीकनेस, अगर वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहा है लड़का तो भी उसका हेयर फॉलिंग होगा, नेसेसरी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि, क्योंकि हेल्दी फूड बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और लड़कियों को क्या है कि रीज़न बताने जा रहे हैं, पहला तो थायराइड। जिन लड़कियों को आज के डेट में थायराइड जो है बहुत कम एज में होते जा रहा है लड़कियों को, बहुत कम एज में, और जिनको थायराइड का प्रॉब्लम पकड़ लिया उनका तो हेयर फॉल होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा चीज है वीकनेस, अगर लड़कियां में वीक अगर रहिएगा, लड़का होगा और लड़कियां दोनों में वीकनेस तो चलता है, अगर वीक है तो आपको हेयर प्रॉब्लम हेयर फॉल होगा ही होगा। इसलिए हेल्दी डाइट दोस्तों बहुत ही जरूरी है। दूसरा चीज है आपको टाइफाइड पेशेंट, लीवर खराब है, भूख नहीं लग रहा है तो लीवर खराब है, मतलब टाइफाइड के पेशेंट हो गए, जॉन्डिस के पेशेंट हो गए, उस दौरान भी आपका बाल, लड़कियों का बाल बहुत ज्यादा झड़ता है। तो दोस्तों ये दो रीजन हो गया कि लड़कों का बाल क्यों झड़ता है और लड़कियों का बाल क्यों झड़ता है। और दोस्तों अब होम्योपैथिक मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे कि फर्स्ट मेडिसिन अगर आप होम्योपैथिक में ले लें, नॉर्मल ऐसे तो दोस्तों हम कहते हैं फिजिशियन से मिलकर कहीं दवा खाना चाहिए। ऐसे दवा तो बहुत सारे हैं, ऐसे किताबों में भी ढेर सारे होम्योपैथिक दवाई दिए हुए रहता है कि चलो ये हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन नहीं, हेयर फॉल मेनली होता है शरीर में कुछ और बीमारी इस वजह से ही हेयर फॉल होता है। ऐसा नहीं है कि बस हेयर फॉल हो रहा है उसका कोई बीमारी नहीं है, तो नहीं, ये जान जाइए कि शरीर में कुछ अगर बीमारी है उसके वजह से ही हेयर फॉल हो रहा है। जैसा कि हम बता दें कि लड़कों का एक कुछ अलग सिम्टम होता है और लड़कियों का कुछ अलग एक केस आता है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंस है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम बताने जा रहे हैं सबों के लिए, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसे तो फिजिशियन से अगर आप मिल लें तो ज़्यादा बेटर काम करता है। तो फर्स्टली एक मेडिसिन है थूजा, आप बाजार से जाएँ और थूजा 30 ml का ऐसा बोतल रहेगा, इसे ले लें थूजा 30 ml और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम। उसके बाद अगर आप एक मोटा मोटी आपको हम बताने जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो एसिड फोर्स साथ में जोड़ लें, ऐसा ही 30 ml में एसिड फोर्स लें दोस्तों, उसे भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले लें। और लगाने के लिए हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं बायोकम का 78 नंबर तेल है दोस्तों, इसे आप लें और रात में लगाएं, ये भी लगाने के लिए बोलते हैं। और एक जबरंडी क्यू होता है, इसे भी लगाने के लिए सर पर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन हो गया। और दूसरा चीज़ है आप थोड़ा एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें और हेल्दी डाइट लें। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश आज आप लोगों को हेयर लॉस के बारे में बताने जा रहे हैं कि हेयर लॉस आज के डेट में लोगों को ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, लड़कियों को जो हेयर लॉस हो रहा है उसका एक अलग रीज़न है और लड़कों को जो हेयर लॉस हो रहा है उसका एक अलग रीज़न, दोनों का रीज़न डिफरेंस है। ये नहीं है कि एक ही रीज़न से बाल फॉल हो रहा है। तो लड़कों का क्या रीज़न है,
तो फास्टली दोस्तों हम बता रहे हैं, पहला तो लकों का एक रीजन फास्टली है जेनेटिकल प्रॉब्लम। अगर लड़कों के माता पिता बाल हेयर फॉलिंग से ग्रसित हैं तो उनका लड़का का भी हेयर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दूसरा चीज है टेंशन युक्त रहना, अगर वो लड़का दिन रात टेंशन में रहता है तो उसका हेयर फॉल होगा ही होगा। और सर दर्द हो रहा है, टेंशन है, तो मेनली दूसरा चीज़ है कि टेंशन से भी हेयर फॉल होगा। तीसरा चीज़ है कि वीकनेस, अगर वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहा है लड़का तो भी उसका हेयर फॉलिंग होगा, नेसेसरी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं कि है, क्योंकि हेल्दी फूड बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और लड़कियों को क्या है कि रीजन बताने जा रहे हैं, पहला तो थायराइड, जिन लड़कियों को आज के डेट में थायराइड जो है बहुत कम एज में होते जा रहा है, लड़कियों को बहुत कम एज में, आज जिनको थायराइड का प्रॉब्लम पकड़ लिया उनका तो हेयर फॉल होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा चीज है वीकनेस, अगर लड़कियां में वीक वीक अगर रहिएगा, लड़का होगा और लड़कियां दोनों में वीकनेस तो चलता है, अगर वीक है तो आपको हेयर प्रॉब्लम हेयर फॉल होगा ही होगा, इसलिए हेल्दी डाइट दोस्तों बहुत ही जरूरी है। दूसरा चीज है आपको टाइफाइड पेशेंट, लीवर खराब है, भूख नहीं लग रहा है तो लीवर खराब है, मतलब टाइफाइड के पेशेंट हो गए, जॉन्टिस के पेशेंट हो गए, उस दौरान भी आपका बाल, लड़कियों का बाल बहुत ज्यादा झड़ता है। तो दोस्तों ये दो रीजन हो गया कि लड़कों का बाल क्यों झड़ता है और लड़कियों का बाल क्यों झड़ता है। और दोस्तों अब होम्योपैथिक मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे कि फर्स्ट मेडिसिन अगर आप होम्योपैथिक में ले लें, नॉर्मल ऐसे तो दोस्तों हम कहते हैं फिजिशियन से मिलकर कहीं दवा खाना चाहिए, ऐसे दवा तो बहुत सारे हैं, ऐसे किताबों में भी ढेर सारे होम्योपैथिक दवाई दिए हुए रहता है कि चलो ये हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन नहीं, हेयर फॉल मेनली होता है शरीर में कुछ और बीमारी इस वजह से ही हेयर फॉल होता है, ऐसा नहीं है कि बस हेयर फॉल हो रहा है उसका कोई बीमारी नहीं है, तो नहीं, ये जान जाइए कि शरीर में कुछ अगर बीमारी है उसके वजह से ही हेयर फॉल हो रहा है। जैसा कि हम बता दें कि लड़कों का एक कुछ अलग सिम्टम होता है और लड़कियों का कुछ अलग एक केस आता है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंस है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम बताने जा रहे हैं सबों के लिए, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसे तो फिजिशियन से अगर आप मिल लें तो ज़्यादा बेटर काम करता है। तो फर्स्टली एक मेडिसिन है थूजा, आप बाजार से जाएं और थूजा 30 ml का ऐसा बोतल रहेगा, इसे ले लें, थूजा 30 ml और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम। उसके बाद अगर आप एक मोटा मोटी आपको हम बताने जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो एसिड फोर्स साथ में जोड़ लें, ऐसा ही 30 ml में एसिड फोर्स लें दोस्तों, उसे भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले लें। और लगाने के लिए हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं बायोकम का 78 नंबर तेल है दोस्तों, इसे आप लें और रात में लगाएं, ये भी लगाने के लिए बोलते हैं। और एक जबरंडी क्यू होता है, इसे भी लगाने के लिए सर पर देते हैं, जो बहुत ज्यादा ही काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन हो गया। और दूसरा चीज है आप थोड़ा एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें और हेल्दी डाइट लें। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा।